बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार प्रमुख केबल्स के बारे में। जानेंगे इन केबलों को किन किन नामों से जाना जाता है तथा इन केबलों का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में तथा किस किस काम के लिए किया जाता है। तो बात कर लेते हैं हमारी पहली केबल, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। सामान्यतः इस केबल को हम सभी ने ज़रूर देखा होगा। इस केबल को कोएक्सियल केबल के नाम से जाना जाता है। इस केबल का प्रयोग मुख्य रूप से रेडियो तथा टीवी सिग्नलों को भेजने में प्रयोग किया जाता है। डीटीएच एंटीना से रिसीवर तक सिग्नल को भेजने के लिए कोएक्सियल केबल का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, जो कि आप सभी ने देखा होगा। वहीं हमारी दूसरी जो केबल है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं वो सभी इस केबल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इस केबल को VGA केबल के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। VGA केबल का प्रयोग मुख्य रूप से ऑडियो वीडियो डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इस केबल का प्रयोग हम सामान्यतः कंप्यूटर CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वहीं अगर बात की जाए हमारी तीसरी केबल, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार से आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर भी देखा होगा, परंतु उसमें सिर्फ आपको दो ही वायर देखने को मिलते हैं। इस केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जाना जाता है। इस केबल का प्रयोग टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का मुख्य प्रयोग लैन केबल इत्यादि को बनाने में किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है अनशील्डेड तथा दूसरी होती है शील्डेड। वहीं अगर बात की जाए हमारी चौथी और लास्ट केबल के बारे में, तो इस केबल को HDMI केबल के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया होता है। HDMI केबल का प्रयोग मुख्य रूप से हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो को भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर तथा स्मार्ट टीवी को DTH रिसीवर के साथ कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की चार प्रमुख केबल्स जिनके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।